कौन? मैं बेटी हूँ। बेटी हूँ। बेटी हूँ। बेटी हूँ। बेटी हूँ। बेटी हूँ। बेटी? हाँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली, मैं ही शीतला भी हूँ और मैं ज्वाला भी, मैं ही पार्वती हूँ और मैं ही संतोषी, और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। आप सब? हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोली फैलाते हो और तुम ही कोख में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है। जो मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोख में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं। हम तुम जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएंगी, कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियाँ नहीं बरसाएंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, मैं आजकल के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। यह सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि ओस की पूंसी होती है बेटियाँ, माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियाँ। रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, दो दो कुलों की लाज ढोती है बेटियाँ, फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियाँ। क्यों क्यों नहीं चाहिए बेटियाँ? है किसी के पास इस बात का जवाब? बेटियाँ क्यों नहीं चाहिए? हमारा क्या कसूर है? आखिर कसूर क्या है हमारा? मारा जाता है अबे, क्यों नहीं चाहिए बेटियां? क्यों नहीं? हमारा कसूर क्या है? क्या है हमारा कसूर? गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रोहित, 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 रोहित उठो। अरे क्या हुआ क्या? उठो रोहित, नींद में क्यों चिल्ला रहे हो? अरे अरे तुम जिंदा हो? जिंदा? हाँ, मुझे क्या हुआ है? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तुम सचमुच जिंदा हो। हाँ, पर हुआ क्या? वो कौन गई? वो कौन? मेरी बेटी, मेरी होने वाली बेटी। बेटी? पर तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना? नहीं ज्योति, नहीं, अब मैं समझ गया हूँ, बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसके बगैर इस जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। अगर हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो पहले हमें बेटी को बचाना है,
बेटा और बेटी को बराबरी का दर्जा देकर इस जिंदगी को खुशहाल बनाना है। हाँ रोहित, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेटियां तो माँ बाप की रानियां होती है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां होती है। हमें इन्हें इस दुनिया में लाना ही होगा। इस दुनिया को अगर बचाना है तो हमें इन्हें बचाना ही होगा। हम सबको मिलकर इन्हें बचाना होगा, है ना रोहित? तुम ठीक कहती हो ज्योति, इसकी शुरुआत हम करेंगे। उम्मीद है कि सब लोग हमारा साथ देंगे। अच्छी लगती हूँ ना, प्लीज हमें मत मारिए, हमें जीने दे दिए प्लीज। मेरी शेरों वाली माँ, तेरी हर बात अच्छी है, करनी की पूरी है, माता मेरी सच्ची है, सुख दुख बताती है।